और नीतीश बाबू राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है और मुझे लगता है यदि प्राइम मिनिस्टर का उनको ऑफर दिया गया होता तो बिहार के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर अंतिम में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा क्या होता है। और आगे भी मौका है, अभी क्या हुआ है, अभी भी वो सोचे। गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए दें। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार बतौर पीएम शपथ लेने की तैयारी चल रही है। अंतिम दौर तक इस बात पर मंथन जारी है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किसे क्या मिलेगा, कौन कौन सहयोगी कितने मंत्री पद पाएंगे। इन सब के बीच पप्पू यादव का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें केसी त्यागी के बयान का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि उन्हें तो बिहार के खातिर पीएम का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। और नीतीश बाबू राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और मुझे लगता है यदि प्राइम मिनिस्टर का उनको ऑफर दिया गया होता तो बिहार के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर अंतिम में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा क्या होता है, बनना चाहिए ले लेना चाहिए और बिहार में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होता, आजीवन वर्ल्ड हिस्ट्री बनती उनकी। वो छोड़ दिए बारे बार। पप्पू यादव आगे कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुआ है, नीतीश कुमार चाहे तो बिहार की तरक्की के लिए इंडिया का ऑफर स्वीकार कर सकते हैं, तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उन्हें किसी और की तरफ नहीं देखना होगा, बिहार की तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। और आगे भी मौका है, अभी क्या हुआ है, अभी भी वो सोचे। ऑफर आप दे दीजिए। हम क्या ऑफर दे दें भाई, हम न 3 में न 13 में, हम अपने कहीं कुछ नहीं है, हम क्या ऑफर दे दें, ऑफर देना ही इंडिया गठबंधन को है, इंडिया के हम प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम कैसे ऑफर कोई चीज दे सकते हैं। मैंने कहा यदि उनको ऑफर दिया गया था तो उन्हें यह अवसर बिहार के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था, विशेष राज उनके हाथ में होता और बिहार की तरक्की तो हो जाती। अब पूरी कहानी समझिए। दरअसल नतीजों के बाद नीतीश के बेहद करीबी और जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने ये कहकर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी खेमे में खलबली मचा दी थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से लगातार नीतीश कुमार से संपर्क किया गया। बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे वो अब उनको प्रधानमंत्री के ऑफर दे रहे हैं, यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके। गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार। रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये चर्चाएं शुरू हुई और उसी बीच में इस तरह के ऑफर कांग्रेस के और सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से आने शुरू हुए। केसी त्यागी के इसी बयान को लेकर पप्पू यादव ने केसी त्यागी और नीतीश कुमार को घेरा है कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें ऐसा कोई ऑफर मिला है तो उसका सबूत दिखाएं और अगर दावों में दम है तो फिर ऑफर ठुकराना नहीं चाहिए था। हम आलोचना कहा नीतीश जी का, हमारे बड़े भाई हैं नीतीश जी, भैया हमको तो समझ में नहीं आता है किसने दिया, कहां दिया, प्रूफ है हमारे पास, तो भैया प्रूफ देने में क्या दिक्कत है, उनको प्रूफ देने में क्या दिक्कत है। और हम त्यागी जी से आग्रह करेंगे एक बार, ये बिना कनगोजर आप बहुत बड़े भाई हैं, हमेशा हवा में नहीं चलिए। जाहिर है मोदी के तीसरे कार्यकाल की अभी नई नई शुरुआत होने वाली है, इस बार विपक्ष संसद में शक्ति के साथ मौजूद है, लिहाजा आने वाले दिनों में इस तरह की सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी रहेगा।